शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत सरकार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल साइंस द्वारा आयोजित कोरोना वायरस अवेयरनेस जागरूकता कैंपेन में WHO अनुसार गाइडलाइंस का पालन करते हुए COVID-19 अवेयरनेस के लिए सामाजिक स्वास्थ्य जनचेतना जागरूकता कार्य करने के लिए महाराष्ट्र नागपुर से डॉक्टर कमलजीत कौर को उनके अप्रतिम स्वास्थ्य अवेयरनेस लेक्चर्स कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर कमलजीत कौर पेशे से साइकोलॉजिस्ट कैंसर काउंसिलर है, जो SCG के कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत है एवं मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। अब तक लगभग 4000 कैंसर मरीजों को वह अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी। मरीजों की COVID-19 स्क्रीनिंग, जांच इत्यादि में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अथवा सभी जनमान्य में COVID-19 वायरस की अवेयरनेस का सतर्क कार्य कर रही है। इस सम्मान कार्यक्रम में सहयोगी भारत सरकार, WHO, फिट इंडिया, IPS के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अंजू भंडारी एवं फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर KD आर्य। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर हूँ। HCG NCHRI कैंसर हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कार्यरत हूँ और आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं नागपुर में हूँ, संतरा नगरी में हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड पब्लिक हेल्थ साइंसेज और भारत सरकार द्वारा मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कोविड अवेयरनेस के लिए ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें फिट इंडिया की तरफ से और WHO की तरफ से मुझे ये सम्मान दिया गया है। मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ डायरेक्टर डॉक्टर अंजू भंडारी जी की और फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर KD आर्य जी की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी सेवाओं को मध्य रस्ते हुए उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है। और जैसे कि ये सम्मान कोविड अवेयरनेस के लिए है, तो मैंने बहुत सारा इसमें अपने कार्यों का योगदान दिया है। मैंने इसमें कोविड स्क्रीनिंग की है पेशेंट्स की और कोविड की प्रॉपर अवेयरनेस की है। कोविड की क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, अभी कोरोना वायरस से पूरा भारत और पूरा ग्लोबली इसका इन्फेक्शन हम देख रहे हैं कि ये फैल रहा है, और इससे किस तरह से बचाव होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, एवरी 20 सेकेंड्स तक हमारे जो हैंड वॉश है वो प्रॉपरली होने चाहिए, और हम ये सारी चीज़ों का पालन हमारे हॉस्पिटल पे भी करते हैं, पेशेंट्स को सेवाएं भी दे रहे हैं, पेशेंट्स को भी जागृत कर रहे हैं, और पेशेंट के साथ साथ हमारा जो यहाँ पे स्टाफ है हम उनको भी जागृत करते हैं। तो मैं तहे दिल से आभारी हूँ WHO की, भारत सरकार की, जिन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया।